हमारे पास इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां पर NH-74 घोटाले के आरोपी DP सिंह ने SSP कार्यालय पहुंचकर अपने अधिवक्ताओं के साथ आत्मसमर्पण किया। वहीं आपको बता दें कि आरोपी DP सिंह ने हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया था।